हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 का इंट्रो पढ़ेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, 2.3 वो स्टूडेंट बहुत इजीली कर लेंगे जिनको पॉलिनोमियल्स का डिवीजन आता हो। तो आज के इस वीडियो में केवल हम सीखेंगे कि पॉलिनोमियल्स को कैसे डिवाइड करते हैं। दो से तीन एग्जाम्पल आज के वीडियो में हम कराते हैं। इस वीडियो के हेल्प से आप कुछ एग्जाम्पल्स लगा के डिवीजन आप पॉलिनोमियल्स में परफेक्ट हो जाइएगा। वैसे जो बच्चे 10th में हैं, मतलब आप लोग हैं, वो 9th में डिवीजन तो पढ़े ही होंगे, तो आता होगा। बट कुछ अगर कन्फ्यूजन है या भूल गए हो तो उसके लिए वीडियो जरूर देखें। देखते हैं, ये पॉलिनोमियल है, इससे डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए पहले तो हम ऐसे लिखते ही हैं, 2x² + 3x + 1 को x + 2 से लिखते ही हैं। अब क्या है देखने वाली बात कि डिवाइड कैसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसको एक आप ऑर्डर में लिखिएगा, मतलब मैक्सिमम पावर 2, फिर 1, मैक्सिमम पावर, ना माने ऑर्डर डिग्री के टर्म में लिखेंगे। अब देखिए कैसे स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट टर्म लेते हैं, इसका फर्स्ट टर्म लेते हैं, इसको इससे डिवाइड करते हैं। तो जो लोग मन में कर लें ठीक है, जो लोग मन में नहीं कर पाए वो यहां देख लें कि इसका फर्स्ट टर्म 2x² और इसका फर्स्ट टर्म x, तो इससे डिवाइड किए तो x² से x कैंसिल हो गया, क्या बचा 2x। तो ये जो बचता है वो यहां लिखते हैं, ठीक है। ये तो बेसिक्स इसलिए बता रहे हैं कि अगर किसी को डिवाइड ना आता तो सीख ले। वैसे उम्मीद है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को आता ही होगा। तो ये 2x आ गया। अब जो यहां लिखते हैं उसका मल्टीप्लाई इन दोनों में करते हैं, तो 2x का मल्टीप्लाई x में किए तो 2x² और 2x का मल्टीप्लाई 2 में किए तो 4x, और ये सिंबल जरूर ध्यान दीजिएगा प्लस। अब इन दोनों को माइनस करते हैं, माइनस करने के लिए साइन चेंज करते हैं, क्योंकि प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अगर माइनस रहता तो यहां प्लस लिख देते, क्योंकि माइनस को माइनस करने पे प्लस हो जाता है। तो साइन चेंज करते हैं अगले स्टेप में। अब साइन चेंज करेंगे तो आप ये वाला साइन देखेंगे, ये वाला नहीं देखेंगे, अब ये ऊपर वाला देखेंगे और यहां वाला साइन देखेंगे। तो ये +2x², ये -2x² कट जाएगा, ये +3x, ये -4x, ये सिंबल अब नहीं देखेंगे। तो 3x में से 4x, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो 4x में 3x गया, x बचा। अब ग्रेटर कौन है, 3x बड़ा है कि 4x बड़ा है? 4x बड़ा है, तो 4x के पास कौन सा सिंबल है, माइनस, तो माइनस, ये वाला सिंबल नहीं देखेंगे, साइन चेंज हो जाएगा, तो ये नीचे वाला देखेंगे और ये। अब यहां +1 लिख लिए, ठीक। अब फिर वही काम, इसका फर्स्ट टर्म लेंगे, इसका फर्स्ट टर्म लेंगे, तो इसका फर्स्ट टर्म -x, इसका फर्स्ट टर्म x, डिवाइड कर दिए, उप क्या बचा, 1 बचा माइनस में, तो यहां -1 लिख देंगे। अब -1 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे, तो -1 का x में करेंगे तो -x, और माइनस प्लस -2, अगर ये दोनों सेम जा रहा है तो मतलब आप सही कर रहे हैं। अब अगला स्टेप साइन चेंज करना, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल। अब देखिए +1 और +2, -2 नहीं, ये वाला साइन देखेंगे, +1 और +2, तो +3 आ जाएगा। डिवीजन करने आया अब तो जाएगा नहीं, एक्स बचा ही नहीं, इससे डिग्री कम आ जाएगा, तो वहां पे छोड़ देंगे हम डिवीजन। तो ये हमारा रिमाइंडर हो गया, ये हमारा कोसेंट हो गया। क्लियर हो रहा है? अगर नहीं समझ में आएगा तो एक बार फिर रिवाइंड करके वीडियो देखिएगा। अब एक और एग्जांपल हम देखते हैं। ये देखिए बच्चों, एक और डिवीजन हम लेते हैं। अब डिवाइड इस पॉलिनोमियल को बाय इससे करना है, तो इसको पहले लिखते हैं, 3x³ + x² + 2x + 5, और डिवाइड हम करेंगे इससे। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिख के करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म मींस सबसे बड़ा पावर सबसे पहले, तो मैक्सिमम पावर x² का है, फिर 2x का है ना,
और फिर कांस्टेंट है। चलिए एक बार फिर से देखते हैं, जिनको थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन है डिवाइड कैसे करते हैं, एक बार और देखते हैं। इसका फर्स्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म को डिवाइड करते हैं, तो 3x³ को x² से डिवाइड करेंगे, ये रफ पे करेंगे, अगर आप मन में कर लेंगे तो और अच्छी बात है। तो एक्स थ्री तो बचेगा ही, एक्स क्यूब था एक्स स्क्वायर गया तो एक एक्स बचेगा, एक्स क्यूब मतलब थ्री बार थ्री टाइम्स एक्स, एक्स स्क्वायर मतलब टू टाइम्स एक्स, तो टू टाइम्स गया तो सिंगल टाइम बचा 3x, तो ये यहाँ लिख लेंगे। अब बताइए क्या बताए थे कि जो यहाँ लिखते हैं उसका मल्टीप्लाई तीनों में करते हैं, तो 3x का मल्टीप्लाई इसमें किए 3x³, 3x का इसमें किए 3×2=6x² और इसमें किए 3x। अब साइन चेंज करते हैं तो माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, वाला वाला हमेशा कैंसिल होगा क्योंकि उसी के हेल्प से करते हैं। अब देखिए ये प्लस देखेंगे ये माइनस देखेंगे, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो 6x² में 6x² गया 5x². अब साइन देखेंगे 6x² बड़ा है कि x² 6x², इसके बगल में कौन साइन, माइनस, ये यहां देखिए प्लस माइनस माइनस, 3x में 2x गया x, अब ग्रेटर 2x है कि 3x, 3x, 3x के बगल में माइनस है ना, तो माइनस प्लस का खास करके ध्यान देना। फिर वही इसका पहला स्टेप, इसका पहला टर्म माइनस 5x², इसका पहला टर्म x² कैंसिल हो जाएगा ना, बचेगा माइनस 5, माइनस 5 लिखेंगे यहां। अब माइनस 5 का मल्टीप्लाई तीनों में होगा, तो माइनस 5 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे माइनस 5x² माइनस 10x और माइनस प्लस माइनस 5, साइन चेंज, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल। देखिए माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो 10x में से x गया 9x, बड़ा कौन x की 10x, 10x, 10x के बगल में कौन साइन, प्लस, तो प्लस है कुछ नहीं, मतलब प्लस है ये नहीं लिखेंगे, प्लस 5 प्लस 5 प्लस 10, दिस इज आवर रिमाइंडर, दिस इज कोसेंट। क्लियर हुआ, एक एग्जांपल और देखते हैं, हम नोट कर लीजिए। ये देखिए स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल आपके सामने, जिनको आता है वीडियो पॉज करके कर लें फिर प्ले करके आंसर मिला लें, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसमें इससे डिवाइड करना है, तो यहाँ x² है यहाँ x³, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, लेट अस राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो माइनस x³ पहले लिखेंगे, 3x² फिर लिखे, और फिर यहाँ माइनस 3x+5, इसको डिवाइड करना है इससे, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, x² वाला टर्म पहले माइनस लगा है, देन प्लस एक्स, देन माइनस 1 ना, तो पहले तो ये दिए हुए देखिए क्वेश्चन इधर उधर करके दे रहा है, हम अपने हिसाब से लिख लिए। इसका फर्स्ट टर्म, इसका फर्स्ट टर्म डिवाइड करिए, माइनस x³ का माइनस x² से माइनस माइनस कट गया, x बचा, x लिखे, अब जो यहाँ आएगा इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो x का इसमें किए माइनस x³, प्लस x किए प्लस x² माइनस x, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, कैंसिल, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस 3x² में x² गया 2x², बड़ा ये था तो प्लस, माइनस प्लस माइनस, 3x में से x गया 2x, बड़ा 3x था तो माइनस। फिर इसका फर्स्ट टर्म, इसका फर्स्ट टर्म तो 2x² और इसका फर्स्ट टर्म माइनस x² ना, तो x² कैंसिल, माइनस ऊपर चला जाएगा माइनस 2, तो माइनस 2 यहां लिखेंगे, माइनस 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 2x² माइनस प्लस माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2, साइन चेंज, ये कैंसिल, इस बार ये भी कैंसिल हो गया, 5 में 2 गया 3, समझ में आया, ट्राई करिएगा। आपको इस वीडियो में हम 3 एग्जांपल्स डिवाइड के बताए, आप अपने मन से कम 10 एग्जांपल्स लगा लीजिएगा जिससे आप डिवीजन में परफेक्ट हो जाएं। 2.3 जब हम कराएंगे
तो उसमें एक एक क्वेश्चन में आपको डिवीजन करना ही करना है, तो फिर से हम आपको डिवीजन बताएंगे, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा तो वहां दूर हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक्सरसाइज 2.3 के साथ। ओके बाय।